जब आप पढ़ रहे थे ये शिक्षा चाहे हमने प्राथमिक स्तर पर ग्रहण की थी चाहे हम विद्यालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और फिर विद्यालय शिक्षा से जब हम एकदम से हमें शिफ्ट दिखाई देता है उच्च शिक्षा की ओर जब हम महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं या उच्च शिक्षा के और ऊपर के उच्चतर संस्थानों में जाते हैं तो हमें एक शिफ्ट सा दिखाई देता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको रेमिनिसाइज करें, थोड़ा सा याद करें, गो बैक टू डाउन टू योर मेमोरी लेन एंड ट्राई टू रिक्रिएट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैड विद योर टीचर्स। आपका कोई टीचर आपको किस तरीके से पढ़ाता था, आप थोड़ा सा ये याद करें और लिखने की कोशिश करें कि वो ऐसा कौन सा टीचर था जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, आपको प्रभाव डाला जिसने। वो प्रभाव इस दृष्टि से नहीं कि उस अध्यापक का पर्सोना जो था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था, पर्सोना को छोड़ दीजिए, आउटर पर्सनालिटी को छोड़ दें हम, और फिर आप याद करें कि ऐसा कौन सा टीचर था जो कि आपको अच्छा लगा था। लेकिन गलती को किस ढंग से विद्यार्थी के सामने रखकर और कितना पॉजिटिवली उस स्टूडेंट को हम हैंडल कर सके ये भी एक स्किल है। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे कहा कि आउटर पर्सोना जो है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन ये आउटर पर्सोना रिफ्लेक्ट हो जाता है बिकॉज़ क्लासरूम के अंदर ये लव शो करना गलतियों को बताने के अंदर, यदि एक अध्यापक उस डेंजर को समझ पा रहा है और अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखता है तो स्टूडेंट्स नो कि नो वी जस्ट कैन नॉट टेक दिस टीचर फ्रॉग फॉर ग्रांटेड, मैंने नहीं किया, आई एम एक्सेसिबल, स्टूडेंट कम्स टू मी ऐसे, मैंने आज तो ये कहा नहीं कुछ टीचिंग स्किल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड एट हायर लेवल ऑफ लर्निंग, दे आर सम टीचिंग स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बिटवीन दीज टू, सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स, वी आर प्रिपेयरिंग द लर्नर्स हाउ टू लर्न। तो सबसे बड़ा टीचिंग स्किल देखिए है एक फैसिलिटेशन का, फैसिलिटेटर का, teach my students. The moment I get this feeling ki I am teaching my students, so what is happening? I am dominating the classroom, I am taking the command in my hands. But when I say I am a facilitator, I am helping my students in learning. Main unko seekhne mein madad kar rahi hoon. And the moment this feeling comes within us, to hum सारी बातचीत यहीं से शुरू कर देते हैं, सारे स्किल्स यहीं शुरू होते हैं, ये कितनी अच्छी तरह से सीख पाए, मैं इसको सीखने में विद इन कम समय के अंदर मैं किस तरीके से अधिक अच्छी आदतों को, अधिक से अधिक अच्छी अभिवृत्तियों को और ज़्यादा ज्ञान को दे पाऊँ। मोर नॉलेज, गुड एटीट्यूड्स, गुड स्टडी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, If I become a facilitator in all these things, I'll be considered a good teacher. एक अच्छा टीचर वो नहीं है खाली ज्ञान ही ज्ञान को बांट रहा है, क्योंकि ज्ञान तो आजकल इंटरनेट पर बहुत मौजूद है, ज्ञान किताबों में बहुत मौजूद है। With the mushrooming growth, with the expansion of education, टेक्स्ट बुक हो, टीचर हो, सब कुछ है, सब कुछ बाजार आवा, क्योंकि आज बाजारीकरण का युग है। लेकिन इस बाजारीकरण के युग के अंदर वी विल फाइंड कि देयर इज नॉट अ फैसिलिटेटर हु इज हेल्पिंग हिज और हर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, इन डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड्स। द मोमेंट टीचर बिकम्स हार्श और रूड टू द लर्नर फाइंड्स कि इनसे तो डर लगता है, इनसे दूर रहो, दूर रह के, लेकिन ये दूर रह के दूर रहता है, आप उसको बुलाते हैं और फिर आप उसको सिखा, देन यू बिकम फैसिलिटेटर। यदि हमने डांट लगा के छोड़ दिया तो वी हैव नॉट डन आवर जॉब, वी हैव नॉट फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। एंड व्हाट हैपेंस, वी डोंट लर्न, व्हाट इज दैट एट डिफरेंट टीचिंग ऑफ लर्निंग नीड टू बिहेव डिफरेंट।
टेंथ के स्टूडेंट के साथ, फिफ्थ के स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करेंगे, ये हमें टीचिंग स्किल्स इससे जुड़े हुए हैं, टीचिंग साइंस जुड़ा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हम करते हैं। टीचिंग स्किल्स की बात जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो सीधे सीधे से लिखा हुआ है ये टीचिंग स्किल्स हैं, लेकिन आप यदि देखें, हम बहुत ज़्यादा इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है कि हम समझ ना पाएं, छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। हम लोग कहते हैं कि टीचिंग तीन फेजेस से होके गुजरती है। पहली स्टेज आपने पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं शिक्षण से पूर्व की अवस्था, है ना, प्री टीचिंग फेज होता है, एंड देन वी हैव एन इंटरैक्टिव सेशन, टीचिंग का फेज होता है, एंड देन वी हैव द थर्ड फेज इज पोस्ट टीचिंग फेज, प्री टीचिंग, इंटरैक्टिव और टीचिंग फेज, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट टीचिंग फेज। अब इन तीनों फेजेस के साथ कुछ टीचिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, वो टीचिंग स्किल्स हमारे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इंटरेक्शन स्टेज पर। जो इंटरेक्शन स्टेज पर जो टीचिंग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो पोस्ट टीचिंग के साथ रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा कि सम टीचर्स आर वेरी गुड एट प्री टीचिंग फेज। प्री टीचिंग फेज के जो स्किल्स हैं, मान लीजिए मैं इसको ले क्या है, प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, और जब हम प्लान करते हैं तो उस समय कुछ स्किल्स चाहिए। जैसे मान लीजिए हम, जब मैं पेडागॉजी की बात करूं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्लान करते हैं उस समय पर हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज माय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन दैट क्लासरूम, व्हाट डू वी वांट टू टीच, मैं क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए। यदि मेरे दिमाग में ये बात समझ आती है मुझे स्पष्ट रूप में, देन व्हाट विल हैपन, आगे का जो काम है प्री टीचिंग के बाद की जो मेरा फेज है वो बड़ा प्रॉपरली चलेगा। विद्यार्थियों की गलतियां पकड़ लेते हैं कि विद्यार्थी यहां पर इस चीज को सीख नहीं पाए, इस चीज को सीख नहीं है, डायग्नोस करता है टीचर, हमें पता लगा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द स्टूडेंट, तब वो सोचता है व्हाई डिड रॉन्ग विद द स्टूडेंट, क्या क्यों गलत हो गया, इस गलत को हम सही कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद में हम रिमीडियल देते हैं, हम होते हैं, हम स्टूडेंट को जिस बिंदु पर पहुंचाना चाहते थे उस बिंदु पर वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। तो आई थिंक वी कैन थिंक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स व्हेन वी कंसीडर व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। क्लासरूम के अंदर डाइवर्स लर्नर्स हैं, इस डाइवर्सिटी को यदि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ तो आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस विद माई टीचिंग। क्लासरूम के अंदर इन डाइवर्सिटीज़ को पहचानना, उन डाइवर्सिटीज़ को पहचानने के बाद में उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना। यदि किसी की समस्या आप पहचान गए लेकिन आप उसकी समस्या को एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है कि हाँ मैं जानती हूँ डाइवर्सिटीज़ होती हैं, ये कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, कुछ भाषाई योग्यता कुछ में पुअर होती है, किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी का अपने प्रति जो अवधारणा मन में हम बनाते हैं वो लो है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऊपर लाने के लिए आई हैव टू वर्क इन द क्लासरूम।